की ओर। जनवरी में छतरपुर आने की मुख्यमंत्री ने की घोषणा। खरगापुर विधायक की जबलपुर में लाइसेंसी पिस्टल चोरी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लगाया राहत राशि नहीं देने का आरोप। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री कमलनाथ मौनिया महोत्सव कार्यक्रम में बिजावर पहुंचे तो छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने सीएम से कहा कि छतरपुर आए और छतरपुर के अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करा दें और छतरपुर के विकास को गति देंगे। इस दौरान बिजावर विधायक ने कहा कि चुनाव हमने नहीं लड़ा था, हमारा चुनाव जनता ने लड़ा था। बिजावर क्षेत्र में लोगों की अनेक समस्याएं हैं जिनका निपटारा किया जाना जरूरी है। वहीं कमलनाथ ने आश्वासन दिया। जिन्हें यहाँ अपनी गरिमा में प्रसिद्धि है, झंड गाड़ने से तू यहाँ विशेष है, तू यहाँ विशेष है, विशेषता सबसे लेवे पहले आज एक घटना हुई है। लोधी समाज का कार्यक्रम चल रहा था, छोटी लाइन फाटक के पास में समन्वय केंद्र है, वहाँ पे माननीय खरगापुर विधायक राहुल सिंह जी भी आए हुए थे। उनने अपनी लाइसेंसी पिस्टल अपने ड्राइवर को दे दिया था। इसी दौरान करीब पौने तीन बजे उनके द्वारा बताया गया कि जो पिस्टल ड्राइवर को दिया गया था वो कहीं गायब हो गया है। तो वहाँ पे हमने एहतियात के तौर पे पुलिस फोर्स लगाया हुआ था, सीएसपी कोतवाली, टीआई मदन महल भी लगे हुए थे, हमारे डीएसपी वाले कर्मचारी भी लगे थे, डीएसपी तुषार सिंह भी लगे हुए थे। जैसे ही सूचना हमें मिली मैं खुद भी वहाँ पर गया, जा कर के गेट वगैरह बंद करके हमने पूछताछ किया, चेकिंग भी करवाया, लेकिन वो पिस्टल नहीं मिली है। हमने थाना मदन महल में चोरी का मामला पंजीबद्ध किया है और पता रसी कर रहे हैं और जैसी जानकारी लगती है फिर हम आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार पर अति वर्षा एवं बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के नुकसान की भरपाई के लिए राशि नहीं देने का आरोप लगाया। जबलपुर नगर कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश यादव ने आज पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया कि पूरे देश में सबसे ज्यादा नुकसान मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं को हुआ, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने अब तक राष्ट्रीय आपदा कोष से एक रुपए भी प्रदेश को नहीं दिया। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश सरकार की तरफ से प्रभावित लोगों को 200 करोड़ रुपए की राशि वितरित की है, साथ ही 270 करोड़ रुपए की राशि उन जिलों में तत्काल वितरित कराई जहां किसानों की सबसे ज्यादा फसलें नष्ट हुई है। केंद्र में भाजपा की सरकार जो है मध्य प्रदेश की जनता के साथ इसलिए पक्षपात कर रही है कि यहाँ पर कांग्रेस की प्रदेश सरकार है, इसको लेके आज कांग्रेस पार्टी आपके समक्ष और ये बताना चाहती है कि अभी पिछले माह जो अतिवृष्टि हुई है, अधिक वर्षा होने के कारण हमारे जो प्रदेश में 39 जिलों में 284 तीसरों में बहुत ज़्यादा फसलों का नुकसान हुआ है। और खाली फसलों का नुकसान नहीं हुआ बल्कि हमारे वहाँ पर लोगों के नागरिकों की मौतें भी हुई हैं, लगभग 1,20,000 मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, हमारे स्कूल टूटी हैं, हमारे स्वास्थ्य केंद्र टूटे हैं, छात्रावास हमारे टूटे हैं, आंगनवाड़ियों के जो हमारे मकान थे वो टूटे हैं। ऐसा हम देखें तो एक बहुत बड़ी क्षति इस प्रदेश को हुई है जो लगभग 6600 कुछ करोड़ रुपये के आसपास आकलन है। और हमने प्रदेश सरकार से, केंद्र की सरकार से मांग की है कि इनको राहत राशि पहुंचाई जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी ने, प्रधानमंत्री जी और जो यहाँ पर अमित शाह जी हैं उनको तक इस बात की जानकारी दी है, ज्ञापन दिया है कि वो तत्काल राहत राशि मध्य प्रदेश को पहुंचाएं। पर अभी तक प्रदेश केंद्र की सरकार ने किसी प्रकार की राहत राशि इस मध्य प्रदेश को नहीं पहुँचाई है।
इस बजट में केंद्र सरकार ने हमारे साथ पहले भी पक्षपातपूर्ण काम किया था और लगभग 3000 करोड़ रुपए 2677 करीब करोड़ रुपए उन्होंने हमारी राशि को बजट में कम कर दिया। आज देखा जाए तो इन राशियों के न मिलने के कारण हमारे प्रदेश का विकास रुक रहा है, आम जनजीवन त्रस्त हो रहा है और ये वही भारतीय जनता पार्टी है, वही हमारे माननीय पूर्व मंत्री रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी, जब यहाँ पर प्रदेश में मंत्री थे और हमारे मनमोहन सिंह जी भरपूर इनको पैसा देते थे और उसके बावजूद भी जब कभी ज़रूरत पड़ती थी तो शिवराज सिंह जी के साथ पूरा मंत्रिमंडल दिल्ली में बैठ के आंदोलन भी करता था। आज कांग्रेस पार्टी पूछना चाहती है, क्या आप यहाँ के नेता नहीं हो, या आपकी जनता से यहाँ हमदर्दी नहीं है, या अब आपको जनता की तकलीफ नहीं दिख रही है, क्या आपको ये मालूम नहीं है कि केंद्र सरकार कितनी चीज़ों पर जो आपदा में मदद करती है वो नहीं कर रही, तो क्या वो केंद्र सरकार दोषी नहीं है? ये तमाम प्रश्न अब खड़े हो रहे हैं और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज अपनी बात को आपके माध्यम से केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। साथ में प्रदेश के हमारे जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सांसद भी हैं, छोटे छोटे बयान तो जारी करते हैं परंतु वो ऐसी आपदाओं में कोई भी ये बताने भी तैयार नहीं है और ना ये बता रहे हैं कि हमने कोई केंद्र सरकार से मांग की है। ये भी एक दुर्भाग्य की बात है, इसको लेके